नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल यात्री मन पे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 30 अगस्त है और जन्माष्टमी है, सोचा इस अवसर पर कोई वीडियो बनाऊं। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप ट्रैक मशीन में काम करते हैं, तो जी हाँ, मैं ट्रैक मशीन में इस ईयर में टेक्नीशियन के पोस्ट पे हूँ। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि ट्रैक मशीन की जॉब प्रोफाइल क्या है, कितने दिनों की रेस्ट होती है, कैसे रहना होता है, कहाँ रहना होता है, तो ये वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना रहा हूँ। मैं इस ईयर में ट्रैक मशीन में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा, एशिया ट्रैक मशीन का मुख्यालय मुगलसराय में है और मशीनें पूरे एशिया में चलती हैं। ट्रैक मशीन के स्टाफ को रहने के लिए कैंपेनिंग कोच दिया जाता है। आप लोग मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कैंपेनिंग कोच का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, रहने की क्या व्यवस्था होती है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि खाना बनाना खुद से पड़ता है, सब लोग मिलकर बनाते हैं, तो नहीं, ईसीआर में तो खाना बनाने के लिए हम लोग को एक कुक मिला हुआ है। और जब वो छुट्टी में या रेस्ट में रहेगा तो उस वक्त खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, सभी लोगों को मिलकर बनाना पड़ेगा। और जहाँ तक छुट्टी का संबंध है, तो ट्रैक मशीन में 21 दिनों की लगातार ड्यूटी रहती है और उसके बाद 7 दिनों की छुट्टी रहती है, एक दिन आने जाने के लिए मिलता है डीवाईजे के रूप में, ड्यूटी ऑफ जर्नी। और रेस्ट के बाद हम लोग को हेडक्वार्टर में जाना पड़ता है और वहाँ से फिर वापस मशीन पे बुकिंग होती है, और जिस भी मशीन पे बुकिंग होगी वहाँ जाना पड़ता है। ट्रैक मशीन में बहुत तरह की मशीनें चलती हैं, ये सबकी कार्यप्रणाली अलग अलग है, जिनके बारे में कभी दूसरे वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। और जहाँ तक रहने की व्यवस्था है, तो ट्रैक मशीन के कैंपेनिंग कोच में हम लोग रहते हैं। कैंपेनिंग कोच में सब चीज़ की व्यवस्था आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, कैंपेनिंग कोच का पूरा डिटेल है। उसमें रहने के लिए सभी लोग के लिए बेड रहता है, कूलर, एसी, सारी चीज़ों की व्यवस्था है, टीवी भी है, किचन भी है। आप लोग को सिर्फ अपना सपना सामान ले जाना है और अपने ये जो भी व्यवस्था करना है कर सकते हैं। बाकी रहने की, बेड की सारी व्यवस्था वहाँ है। और क्या बताया जाए, धन्यवाद।